हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर करेंगे विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था SI यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ा था, उसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये सब हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हमने जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो उसके फॉर्मूलेस, कुछ न्यूमेरिकल्स, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट एक बार आपकी रिविजन हो जाएगी। देन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। इट मीन्स कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी वो क्वांटिटीज़ थी जिनको मेजर करने के लिए आपके पास कोई और चीज़ नहीं थी या और कोई रूल नहीं था, तो इसलिए आपने इनकी एक अलग क्वांटिटीज़ बना दी। फिर उसके बाद में, पहले हमारे पास 7 ही थी, लेकिन उसके बाद में 2 क्वांटिटीज़ को और इसमें ऐड किया गया, क्योंकि देखा गया कि इन 2 यूनिट्स को भी मेजर करने के लिए और कोई वे या फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। सो ओवरऑल हमारे पास 7 + 2 9 यूनिट्स हो गई हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में डालते हैं। लेकिन जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो आज भी हम इनको थोड़ा अलग ही पढ़ते हैं। सो देखिए, आपके पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये इनके यूनिट्स हैं और यहाँ पे सिंबल है। एक बार देख लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमक, और ये कैंडेला CD, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड ल्यूमिनस फ्लक्स के लिए। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब आप देखिए, प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है, उसका सिंबल RAD है। देन सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो ये स्टेरेडियन है और SR। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो नाम से ही हमें पता चलता है कि हाँ, हमने ये पढ़ी हुई हैं या देखी हुई हैं, लेकिन ये 2 टर्म्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अलग हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो आज हम 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे और इनके कुछ फॉर्मूलेस को देखेंगे। सो सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, हमें पता है ये चीज़, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारी 2 होती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनकी एक स्पेशलिटी या खासियत बोल सकते हैं, तो वो ये है कि ये यूनिट्स, इनके यूनिट्स होती है बट इनकी डायमेंशंस नहीं होती। डायमेंशन हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर अप करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो यूनिट्स होती हैं, इनकी यूनिट्स होती हैं बट इनकी डायमेंशंस नहीं होती। देन फर्स्ट वन इज़ प्लेन एंगल। अगर आपको प्लेन एंगल देखना है तो देखिए, एक सर्कल हमने लिया, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट हमने कट किया, AB, ये ओरिजिन हो गया। प्लेन एंगल की SI यूनिट रेडियन होती है, सिंबल इसका RAD होता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे हमारा जो हमने एक सर्कल से एक पोर्शन कट किया है, इसको देखिए, यहाँ पे ये एंगल जो बनेगा उसको थीटा बोला हुआ है, एंड रेडियस R कुछ भी हो सकता है, थीटा भी आपका कुछ भी हो सकता है, L लेंथ ऑफ आर्क होती है। अगर हमें इसके लिए फॉर्मूला चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू L/R, या फिर इजी वे में L इज इक्वल टू थीटा R, या फिर आपने बहुत बार सुना होगा L इज इक्वल टू R θ। तो ये तीनों फॉर्मूले सेम ही वे में हम पढ़ते हैं, तो ये हमारा इसी से आया है, प्लेन एंगल से आपने एक सर्कल में एक पर्टिकुलर पार्ट को काटा है। देन सेकेंड है हमारा सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल था कि हमने एक सर्कल में से पार्ट को कट किया, ऐसे ही जो हमारा सॉलिड एंगल है, ये एक कॉनिकल शेप होती है। कॉनिकल यानी कि कोन टाइप में शेप है आपकी। अब देखिए, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और जो साइड में ये R है, ये R हो गया, ये एंगल, एंगल को आप ओमेगा बोलेंगे। ये जो ओमेगा है, आपने 10th में देखा होगा, ओम्स लॉ जब आपने पढ़ा था तो कुछ कुछ ही ऐसा सा सिंबल दिखता है, बट ये ओमेगा है और ये आपका एरिया, ठीक है। अब सॉलिड एंगल की SI यूनिट स्टेरेडियन होती है, जिसको SR से डिनोट किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला देखें, ओमेगा इज इक्वल टू S/R², S यहाँ पे एरिया और R आपकी रेडियस हो गई। अब स्टूडेंट्स, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की बात करते हैं तो इनमें दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अगर प्लेन एंगल है तो वो हमारा एक सर्कल से निकाला हुआ है, और अगर सॉलिड एंगल की बात करते हैं
तो ये एक स्फेयर से निकाला हुआ है, इसीलिए ये कॉनिकल शेप में होता है, यानी कि 3D में, ठीक है। सो ये तो थे आपके सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है रेडियन। अगर आप रेडियंस की बात करें, आपको कई बार क्वेश्चन आता है, अब रेडियंस पे क्वेश्चन आता है, तो ये आपका फॉर्मूला है पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू में डिग्रीज, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो 3.14 और 22/7, इन दोनों में से एक वैल्यू हमें लेनी होती है। अब देखिए क्वेश्चन का एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, कन्वर्ट इंटू रेडियन। अब 30 डिग्री आपको दे रखा है, इसको आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन में 180 अपॉन इंटू में 30। अब इसमें हम एंगल्स की बात करते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में, तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, और बाकी केसेस में आपको पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर हम इसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वो कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए और एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे आपने डिग्री की जगह पे 30 पुट कर दिया और इसको कट करके पाई अपॉन में 6, ये आपका रेडियंस में आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है, तो इसमें डिग्रीज में कुछ भी हो सकता है आपका, या इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो सकती है और आपको एक चीज़ निकालनी आनी चाहिए। देन नेक्स्ट है डिग्री ऑफ आर्क, मिनट ऑफ आर्क एंड सेकेंड ऑफ आर्क। ये आपके तीन टॉपिक्स हैं। डिग्री ऑफ आर्क अपने आप में सबसे बड़ा, डिग्री ऑफ आर्क के बाद में मिनट ऑफ आर्क आता है, और मिनट से भी छोटी कोई यूनिट है तो वो है सेकंड। अब जब हम फिजिक्स के इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम मिनट और सेकंड को पूरा नहीं लेते। सपोज आपको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 की जगह आप कोई भी नंबर हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऊपर मैंने यहाँ पे दो डैश टाइप में सिंबल्स बनाए हैं। अब जब हम दो ऐसे दो डैश बनाते हैं, इसका मतलब होता है सेकंड। अगर आपने एक डैश बनाया तो इसका मतलब है मिनट। सो अब जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनमें हमारे पास नहीं लिखा होता है कि हमें सेकंड है या मिनट है, हमें खुद से ये दो डैश से समझना पड़ता है कि हमें क्या दे रखा है। अब देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है 1 degree इज इक्वल्स टू 60 minute एंड 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds, ठीक है। सो ये डैश और डॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी नॉर्मल हमें इसका मतलब पता है। अब देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल से हम समझते हैं। कन्वर्ट 2 seconds इंटू रेडियन, ये दो डैश इट मीन्स कि यहाँ पे सेकेंड की बात हो रही है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। सबसे पहले सेकेंड्स है तो आप यहाँ पे इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, आपने 2/60 लिया। देन मिनट्स के बाद आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/60 लिया। डिग्री के बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा रेडियन में कन्वर्ट करने का, सो आपने पाई अपॉन में 180 लिया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो ये दो टाइप थे आपके एग्जाम्पल्स के, फर्स्ट कन्वर्ट इंटू रेडियन, सेकेंड मरीज कन्वर्ट इंटू रेडियन, दोनों ही केसेस में। लेकिन फर्स्ट केस में हमने एक डिग्री को कन्वर्ट किया था, सेकेंड केस में हमने एक सेकेंड या मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो हमने जितने भी ये एंगल्स की कन्वर्जन पढ़ी, उसके अलावा अब हमारे पास साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें आपको मैंने ये एक्सिस बना के दिखा रखे हैं। अगर किसी भी एंगल में हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मींस कि ये वाली शेप होती है, तो जो हमारा साइन होता है हम प्लस साइन लेते हैं। अगर हम नीचे की साइड से यानी कि क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब ऐसे जैसे क्लॉक चलती है इस तरीके से अगर हम देखते हैं, तो हमारा जो साइन है वो माइनस है। साइन कन्वेंशंस अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस टाइम पे आपके लिए साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक बार और देख लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस और क्लॉकवाइज होगा तो माइनस। अब जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स, ये छोटे लेवल पे हमने बहुत सारी यूनिट्स को पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए होती है। लेकिन जब हम लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं, अब आप सोचेंगे कि किलोमीटर भी तो लार्ज ही डिस्टेंस होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बहुत लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि अर्थ और सन से डिस्टेंस, अगर हम देखें कि अर्थ का आपसे या सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है, तो ये लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है। सो इसको हम कैसे मेजर करते हैं या इसके लिए क्या यूनिट्स होती हैं, तो इसके लिए हमारी तीन यूनिट्स आती हैं। फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड इज लाइट ईयर एंड थर्ड इज पार्सेक। इन दोनों में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड लाइट ईयर, इन दोनों से बड़ी यूनिट होती है पार्सेक।
अब वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, ये एक एवरेज डिस्टेंस निकालने का होता है अर्थ और सन के बीच में. जब हम अर्थ और सन के लिए देखते हैं, यहाँ पे आपकी अर्थ और ये सन, तो अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसके लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं. और ये मेथड या ये सिस्टम आपके लिए सोलर सिस्टम के लिए यूज़फुल होता है. आपने देखा है सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स इससे लगे हुए होते हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज़ किया जाता है. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू 1.496 × 10^11 मीटर, और आप ये भी कह सकते हैं 1.5 × 10^11 मीटर्स. इसको आपने अप्रॉक्स वैल्यू में ले लिया है. देन सेकेंड वन इज लाइट ईयर. जब लाइट ईयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर लाइट ने ट्रेवल किया विद इन वन ईयर. तो ये जो डिस्टेंस होता है ये यूजफुल होता है नियर बाय स्टार्स के लिए. ठीक है, सन भी एक स्टार में ही आता है, तो ये हम स्टार्स के लिए यूज़ करते हैं. वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10^5 मीटर. ये तो हमारा नॉर्मल मेजरिंग हो गई. अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की फॉर्म में इसकी मेजर करनी हो तो हम इसके लिए लेते हैं 63.235 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये जो आपकी मेजरमेंट्स है ये तीनों, ये कई बार आपकी डेफिनेशन की फॉर्म में आ जाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी पोर्शन है तो आप इसको छोड़ दें या ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो इसे भी आपको करना ही है. देन नेक्स्ट इज पार्सेक. पार्सेक आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट है. हम साइंस में मेजरिंग यूनिट्स पढ़ते हैं उनमें. ये हमारे स्टार्स और जितने भी यूनिवर्स में स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए इसको मेजर किया जाता है जो बहुत ज़्यादा फार डिस्टेंस पे होते हैं. सो वन पार्सेक, पार्सेक को पीसी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 3.086 × 10^16 मीटर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें तो 206.265, और अगर हम लाइट ईयर में बात करें तो 3.262 इसकी यूनिट्स होती हैं. तो ये आपकी तीन लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट्स थी. इसके अलावा जो यूनिट्स हैं वो प्रेशर के लिए. आप प्रेशर देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया. फोर्स आपका न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, और ये इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है, और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं जिसे पीए से डिनोट किया जाता है. ये तीन पॉइंट्स हैं. इसके अलावा और प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, तो ये सेम है फर्स्ट जो अभी मैंने यहाँ बोला, पीए यानी पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट फॉर प्रेशर. ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा. देन वन एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 × 10^5 पास्कल्स. और अगर इसको मिलीमीटर्स में देखें तो एक सेकेंड फॉर्म आ जाती है जब मर्क्यूरी की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज 760 मिलीमीटर्स. देन वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल होता है, और वन टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. ये जो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट हम पढ़ते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अगर आपको ये यूनिट्स पता होगी तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी. सो नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने वाले हैं और पैरेलेक्स मेथड को कवर करेंगे. सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई. स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू सो मच.